तो अब तक हम हमारे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस के बारे में पढ़ चुके थे, उनसे लगने वाली फोर्सेस के बारे में पढ़ चुके थे और चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम चार्ज का जो इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। किसी भी चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में जो रीजन होता है जिसमें हम उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व कर पाए, उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं डेफिनेशन में बात करता हूं तो ये स्पेस होता है किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड जिसमें उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सके किसी दूसरे चार्ज से। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल 3D स्पेस में रखा हुआ है तो उसके सराउंडिंग में एक लिमिट होती है जहां तक हम उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जहां तक हम उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं वो सारे का सारा रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है। नेक्स्ट, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हम कुछ पैरामीटर्स का यूज करते हैं और उनको बोल देते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये प्योरली इमेजिनरी कंसेप्ट होता है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ये इमेजिनरी लाइन और कर्व्स होती है जिन पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो ये हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमें पता चल गया ये इमेजिनरी लाइन है और इन पे जब कभी भी हम किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करते हैं तो हमें वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता चल जाता है। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं हम या प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, वो क्या क्या है। दे आर कंटिन्यूअस कर्व, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि ये कंटिन्यूअस होती है, कहने का मतलब ये सडन ब्रेक नहीं कर सकती, हमेशा कंप्लीट कर्व मिलेगी आपको। नेक्स्ट, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज और एट इन्फिनिटी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे खत्म हो जाती है। अगर आसपास कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो ये इनफाइनाइट तक जाके खत्म हो जाएंगी। कहने का पर्पज, ये कंटिन्यूअस होने के साथ साथ कंप्लीट लूप नहीं बनाती है। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो कंप्लीट लूप बनाती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, वो हमेशा एक पॉइंट पे स्टार्ट होती है और एक पॉइंट पे खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो इससे क्या पता चलता है कि एक चार्ज पार्टिकल के दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट, दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ चार्ज और बॉडी। ये हमेशा जो हमारा चार्ज होता है उससे नॉर्मली निकलती है या उसके अंदर नॉर्मली आती है। ये कभी भी किसी एंगल से अगर निकलेंगी तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जो नॉर्मल होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है सरफेस के साथ। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उनकी डेंसिटी बताती है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक होगा। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी एक रीजन में, उतना ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो ये चार डायग्राम्स हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो हमारा डायग्राम है, ये ए टू बी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जिस पर हमने पी और क्यू पॉइंट लिए हैं। अगर हम पी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट मिल जाता है। अगर हम क्यू पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू पॉइंट मिल जाता है। नेक्स्ट जो हमारा डायग्राम है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटसाइड है, आउटसाइड डायरेक्शन में है और नॉर्मल टू द सरफेस है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें थर्ड वन की, तो आप देख सकते हो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवॉल्व है और सारी की सारी नॉर्मली इंटर कर रही है सरफेस पे। अगर आप इसके बारे में अगर ध्यान करोगे तो यहाँ पे छोटा सा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज जब कभी भी लेते हैं हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और यूनिट वैल्यू होती है उसकी मैग्नीट्यूड की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो किस साइड जाएगा, वो अंदर की साइड जाएगा। तो इस वजह से हमने स्टैंडर्ड जो डायरेक्शंस ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, क्या ली है, वो इनवर्ड ली है नेगेटिव चार्ज के लिए।
नेक्स्ट जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर रखी है वो किसके लिए शो कर रखी है, एक डाइपोल के लिए। आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट हुई है और नेगेटिव पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खत्म हो गई है। नेक्स्ट कुछ और डायग्राम्स का डिस्कस कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड। तो जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है इस बार उसमें दो पॉजिटिव चार्ज लिए गए हैं और इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। आप देख सकते हो रिपल्सिव फोर्सेस के कारण इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की शेप कुछ इस टाइप की होगी है कि पी पॉइंट पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है। कहने का मतलब पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, जीरो है। ऐसे पॉइंट को हम बोल देते हैं नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट डायग्राम की तो इसमें भी बोथ चार्जेज आर क्यू1 एंड क्यू2 एंड बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज। अगर हम इसमें टेस्ट चार्ज रखते हैं तो क्या होगा, Q1 हमारे का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा और Q2 का कम। तो इस वजह से Q1 टेस्ट चार्ज पार्टिकल पर ज्यादा फोर्स लगाएगा और हमारा चार्ज पार्टिकल Q2 की साइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है वो थोड़ा सा Q2 की साइड है। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर रखी है एक चार्ज सीट के लिए। आप देख सकते हो उसकी दोनों साइड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है और हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस पे नॉर्मल है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ चुके हैं लेकिन अब हम उस फील्ड की इंटेंसिटी या उसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हेल्प से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हेल्प से मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है जो किसी एरिया को नॉर्मली क्रॉस करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये क्या होती है, एक यूनिट एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर यूनिट एरिया से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। अगर कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी तो उसकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम। और इसकी सेकंड डेफिनेशन की बात करूं तो सेकंड डेफिनेशन बोलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इसको मेजर कैसे किया जाता है, ये फोर्स एक्सपीरियंस होती है यूनिट टेस्ट चार्ज से। अगर मैं बात करता हूं मैथमेटिकली तो मैथमेटिकली ये और भी अच्छे से क्लियरली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई होती है वो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होती है किसके जरिए, एक क्यू नोट टेस्ट चार्ज के जरिए। अगर आप देखोगे हमने यहाँ पे क्यू नोट क्यों लिया या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यों लिया, तो देखो फोर्स लग रही थी दो टेस्ट चार्ज पार्टिकल्स पे, अब हमें किसी सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन करना था उस फोर्स को। तो सिंगल चार्ज के लिए हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हमने क्या किया, जो हमारा सेकेंड चार्ज पार्टिकल था उसकी वैल्यू 1 ले ली है, यूनिट ले ली है। इस वजह से हमारे फॉर्मूले में सिर्फ एक ही क्यू रह गया और उससे हमें उसका इफेक्ट का पता चल गया। तो एफ के फॉर्मूले में क्या होता था, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अगर हम उसको एक क्यू से डिवाइड कर देंगे तो एक क्यू से एक क्यू कैंसल आउट हो जाएगा। तो अगर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड होती है ये किसके जरिए, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के जरिए। तो हम प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं एक डाइपोल के लिए, एक सिंगल चार्ज के लिए। तो आपको पता ही है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है ई ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। चलो इसी टाइटल को हम ब्रेक्स करते हैं स्टेप्स में। तो पहली बात तो हम लेते हैं एक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, एक पेयर होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू और ये हमारा प्लस क्यू। इक्वल मैग्नीट्यूड है और इनकी पोलैरिटी क्या है, अपोजिट है। और ये सेपरेटेड होते हैं किसी फिक्स डिस्टेंस से। इस डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, 2a। तो ये हमारा कंप्लीट क्या है, एक डाइपोल है। एक्सियल लाइन पे निकालना है। एक्सियल ये इसका जो बीचों बीच इनके जो लाइन है जो इनके सेंटर से सेंटर को कनेक्ट करती है, ये लाइन है इनकी एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पे हमें कोई पी पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा जिस पे हम क्या निकालने वाले हैं, हमारी ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं। अब जो हमारा ये पी पॉइंट है जो इस डाइपोल के एक्सियल पर है,
ये इस डाइपोल के सेंटर ओ से आर डिस्टेंस से क्या है, दूर है। अब हम इस पी पॉइंट पर कैसा पार्टिकल्स रखेंगे, कैसा चार्ज रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। क्यों? क्योंकि वही हमारा क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है। तो अगर हम इस पी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, वो भी यूनिट मैग्नीट्यूड का, और इंडिविजुअल के इफेक्ट को स्टडी करते हैं, तो हमें क्या मिलता है। फर्स्ट अगर हम माइनस क्यू की वजह से देखें तो ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये कैसा है, नेगेटिव, अनलाइक चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जो हमारे पी पॉइंट पर जो हमारा टेस्ट चार्ज है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज। इस बात का ध्यान रखना, हमेशा यूनिट टेस्ट चार्ज ही मूव करेगा, हमारा डाइपोल कभी मूव नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस डाइपोल का ही है, तो डाइपोल हमेशा रेस्ट में, और जो हमारा टेस्ट चार्ज है उस पे जब फोर्स लगेगी तब हम उसको मूव कराएंगे या उसकी डायरेक्शन देखेंगे कि किस डायरेक्शन में जा सकता है या किस डायरेक्शन में उस पे फोर्स लगने वाली है। यहाँ पे हमने देखा कि ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो हमारा टेस्ट चार्ज इस नेगेटिव चार्ज की साइड क्या हुआ है, अट्रैक्ट हुआ है। नेक्स्ट अगर हम इस पॉजिटिव की वजह से देखें, पॉजिटिव क्यू की वजह से, तो आप देख सकते हो हमारे पी पर भी पॉजिटिव है और ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आएगी वो टूवर्ड द राइट आएगी, हम बोल सकते हैं अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज ऑफ अवर डाइपोल। अब आप देख सकते हो जो माइनस क्यू और पी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, किसके कंपेरिजन में, प्लस क्यू की पी से। तो आप देख सकते हो जो प्लस क्यू का पी पे इफेक्ट लग रहा है, जो कि ई टू था, वो ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस प्लस क्यू इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस माइनस क्यू ऑन पॉइंट पी और ऑन चार्ज प्लेस्ड एट पी। तो हमारे ई वन का मैग्नीट्यूड कम है और ई टू का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट है। तो आप देख सकते हो हम अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो किसकी डायरेक्शन में होगा, वो होगा हमारा ई टू की डायरेक्शन में। तो ये जो ई हमने यहाँ पे लिखा है, ये हमारे नेट इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर रहा है। चलो इसी को मैथमेटिकली भी एनालाइज करते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने प्रीवियस में पढ़ा था, एफ अपॉन क्यू नॉट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज, जिसको हम किसे लिखते हैं, क्यू नॉट से। अगर हम फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं तो फोर्स की क्या वैल्यू होती है, कूलम्स लॉ की, के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और इसको क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर क्या है, आर हमारे चार्ज पार्टिकल और हमारे टेस्ट चार्ज पार्टिकल के बीच की क्या है, डिस्टेंस है। ओके, अब हम इन हमारे जो चार्जेज हैं उनके लिए वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहले माइनस क्यू के लिए स्टडी करते हैं। माइनस क्यू के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखने वाले हैं उसको किससे लिखेंगे, माइनस क्यू वाला जो है उसको लिख रहे हैं हम ई वन से। तो ई वन क्या हो जाएगा, के क्यू बाई ए पी स्क्वेयर, इस ए पॉइंट से लेकर इस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो अगर हम ए पी की वैल्यू निकालना चाहें तो आप देख सकते हो ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस को तो हमने क्या लिखा है, आर, और O से लेके A तक की डिस्टेंस क्या हमारी, A। तो अगर मैं इस R के अंदर ये A वाली ओर ऐड कर दूं तो हमारी कहां से कहां तक की डिस्टेंस आ जाएगी, A से लेके और P पॉइंट तक की आ जाएगी। तो हम AP की जगह क्या लिख सकते हैं, R प्लस A। तो अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, KQ डिवाइडेड बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। डायरेक्शन किस में होगी, डायरेक्शन होगी इसकी पी से लेके ए की तरफ। तो जब हम इसकी डायरेक्शन पुट करते हैं तो क्या आती है, अलोंग पी ए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो हमारा ईवन था वो क्या था, के क्यू बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस हम यहां पे क्या लेंगे, माइनस क्यू से लेके पी पॉइंट तक, जो कि क्या हमारी ए पी का स्क्वायर। ए पी की जगह हमने वैल्यू निकाली, ए पी की वैल्यू हो जाएगी हमारी आर प्लस ए, हमने वैल्यू पुट कर दी, और डायरेक्शन क्या है इसकी, पी से लेके ए की साइड। नेक्स्ट प्लस क्यू की वजह से जो इफेक्ट आएगा उसको हमने लिखा था ई टू, ये क्या हो जाएगा, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस यहां पे क्या है, बी पी का स्क्वायर, इस बी पॉइंट से लेकर इस पी पॉइंट तक।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस थी आर। अगर मैं इस कंप्लीट आर में से इस ए को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो हमारे पास क्या बचेगा, इस बी पॉइंट से लेकर इस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस बचेगी। तो इस बी पी की जगह वैल्यू पुट कर दो आर माइनस ए का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है इसकी, डायरेक्शन है इसकी बी से लेके पी की तरफ, तो इट इज अलोंग बी पी। नेक्स्ट अब हमें निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल के लिए हमें पता है कि हमारा जो E2 का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है E1 के कंपैरिजन में। क्यों ज्यादा है भाई, क्योंकि जो हमारा E2 है वो प्लस Q की वजह से, और जो प्लस Q है वो पास है हमारे P पॉइंट के। नेक्स्ट अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, E2 माइनस E1, क्योंकि E2 हमारे फेवर में है E के, और जो E1 की डायरेक्शन है वो हमारे E की डायरेक्शन के एग्जैक्टली अपोजिट है। तो E2 तो आएगा क्या हमारा पॉजिटिव, और E1 क्या आएगा हमारा नेगेटिव। अब डायग्राम में भी देख सकते हो E2 और E की डायरेक्शन तो सेम है, जबकि E1 की डायरेक्शन इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। नेक्स्ट इनकी वैल्यूज पुट कर दो ऊपर दोनों इक्वेशन से, तो हमारे पास क्या मिलेगा, कुछ इस टाइप की हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास के क्यू इसमें भी और के क्यू इस वाली इक्वेशन में भी है। के क्यू को कॉमन ले लो, तो जब के क्यू को कॉमन लोगे तो अंदर सिर्फ और सिर्फ r माइनस ए का स्क्वेयर और r प्लस ए का स्क्वेयर बच जाएगा। अब ध्यान से देखो a माइनस बी और a प्लस बी, अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, r स्क्वेयर माइनस a का स्क्वेयर और होल का स्क्वेयर, क्योंकि यहां पे स्क्वेयर भी था ऑलरेडी। अब अगर हम एलसीएम लेने के बाद कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन का फॉर्मेशन कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अब आपको r प्लस ए का होल स्क्वेयर खोलना है और r माइनस ए का होल स्क्वेयर को हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी फॉर्मूले में। a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वेयर तो आप लोगों को पता ही होगा, वैल्यूज पुट करोगे तो आपकी बाकी सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी। बचेगा क्या, r प्लस ए के होल स्क्वेयर से बचेगा 2ar, r माइनस ए के स्क्वेयर से भी क्या बचेगा 2ar, दोनों ऐड हो गए क्या बना लेंगे आपके 4ar। वैसे तो हमारा ये डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे डाइपोल की बात की थी ना, तो चलो इसको डाइपोल की स्ट्रेंथ में ही मेजर कर लेते हैं। अब आपने पढ़ा था डाइपोल की स्ट्रेंथ को किस में मेजर करते हैं, डाइपोल मोमेंट से, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू टू ए। तो देखो Q ये रहा हमारे पास और ए भी है, तो क्यों ना इन्हें रीअरेंज कर लिया जाए। तो चलो रीअरेंज करके लिखते हैं, ये लिख दिया हमने रीअरेंज करके, जो 4ar था उसको कैसे लिख दिया 2a इंटू टू आर। अब आप देख सकते हो क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए हमारा क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। अब ये हमारा केस हो गया है डाइपोल के लिए। लेकिन अगर हमारा डाइपोल आइडल हो तो, या फिर हमारा टेस्ट चार्ज पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर हो तो, उस केस के लिए हम क्या कर लेते हैं, जो हमारी टू ए डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी आर से। या हम बोल सकते हैं कि हमारा डाइपोल कैसा है, आइडल है, और हमारी 2a इज मच मच लेस देन r। ऐसे केस में आप इस 2a को क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट, यानी a वाली टर्म को क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट। अगर हम इस टर्म में से a को नेगलेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास r स्क्वेयर का होल स्क्वेयर बच जाता है। अब आप देख सकते हो r की पावर 1 यहां पर है और r की पावर 4 नीचे है। जब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास नीचे r की पावर कितनी बचेगी, सिर्फ 3 बचेगी। तो ये हमारा सोल हो गया किसके लिए, एक आइडल डाइपोल के लिए। अब कुछ स्पेशल केसेस आ जाते हैं, उनको और देख लेते हैं। जो फर्स्ट केस है वो ये बताता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की जो डायरेक्शन है वो पी के डायरेक्शन में ही है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में ही है। आप देखो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू यानी टूवर्ड राइट, और हमारे ई की भी डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड राइट, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो बताता है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, जो हमारा E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R क्यूब। R क्या थी हमारी डिस्टेंस। तो इससे क्या पता चलता है, जो पहली चीज पता चलती है वो ये कि ये इनवर्स स्क्वायर लागू भी नहीं करता। नेक्स्ट जो हमें पता चला इस फॉर्मूले के बारे में वो ये पता चला कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो स्ट्रिपली डिक्रीज करती है इन कंपैरिजन टू कुलाम फोर्स। क्यों, क्योंकि कुलाम फोर्स में यहाँ पे आर स्क्वेयर होता है, जबकि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल के केस में क्या है, यहाँ पे आर का क्यूब आया है।
तो हमारे फोर्स के कंपैरिजन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा स्ट्रिपली क्या करती है, डिक्रीज करती है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में।